अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखें, मैं ये जो शेप्स रात को बना कर गई थी, ये सॉलिड हो गई हैं, तो मैं इनको भी उठा के रख दूँगी। ये देखें, हाय जरा, ये शेप का नाम नहीं मुझे आता, आई एम सॉरी। ये गंदे वाला टेक्सचर था, मैंने साइड पर कर दिया था, मैं इसको भी इकट्ठा कर दूँगी, इसको क्लीन करके ना वो जो मेरा वो टेक्स्चर नहीं है, चारकोल टेक्स्चर, उसमें डाल दूँगी। खैर, वो टेक्सचर मैं नहीं बना के गई थी, क्योंकि मुझे था ये मैंने फिर क्रम्बल कर लिया, तो मैं एक दफ़ा ही मिक्स करके शेप्स बनाऊँगी। और ये देखें, ये भी इकट्ठा करके गई थी, क्योंकि उसको भी मैंने पीसना है, क्रश करना है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया उसको। और ये मैं ये रेड सैंड की शेप्स बना के गई थी, एप्पल शेप, और कुछ ख़ास नहीं किया था मैंने। ये रेड अर्ट मोबाइल ट्राइपॉड लगाते हैं और अपना काम करते हैं। और आज है शगुफ्ता जबीन की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपको खुशियों में रखे और सुकून में रखे, आमीन सुम आमीन। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और आप पर अपना करम हमेशा रखे, आमीन सुम आमीन। फजल करम हमेशा रखे, आमीन सुम आमीन। ठीक है, तो अब ना मैं जल्दी से ट्राईपॉड लगाती हूँ, मोबाइल लगाती हूँ ट्राईपॉड पर। मिलते हैं आपसे फिर काम के साथ। तो ये ना एक वीडियो 2 सब्सक्राइबर्स को जाएगी आज इंशाल्लाह। यार हम ना क्ले पॉट को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि यही पानी जो है ना टेक्सचर में जाएगा। सबसे मुश्किल चीज़ जो लगती है ना, वो रेड डर की शेप है। ठीक है, ये हो गया। टेक्सचर को जो निकालना इस वाले टब से बहुत डिफिकल्ट है। ये टप से ना नाजुक है, लेकिन ये हेयर टब जो है ना, ये एक टब 1000 रुपये का, लेकिन नाजुक है। मैं 2 टब लाई थी इस तरह के, एक ग्रे में किया, लेकिन वो ग्रे वाला मैंने यूज़ भी नहीं किया था, तो मेरी सिस्टर से टूट गया था। इतना दुख हुआ कि यूज़ भी नहीं मैंने किया इतना, और टूट गया। चलो यार, मैं इसकी टेक्निक से किसी इसको टर्न करती हूँ, मुझे एक और वीडियो बनानी है ब्लैक डर्ट की, उसके बाद उसकी ब्लॉग बन पाता है। नहीं सही, फ्रेंड मैंने इसको कर लिया। ठीक है, ओके जी। देखो चूल्हा चल रहा है कि अच्छा, मैं ना चंक्स निकाल रही थी, तो मेरी मामा जो है ना उसे बातें कर रही है। मैं करके मैं ना ये जो ले टेक्सचर है छोटा वाला जो पीसेस है उनकी क्रम्बलिंग कर देती हूँ, और इसको क्रम्बल करते हैं, क्योंकि बिल्कुल मिनी से है, तो जो जॉइंट साइज लकड़ियाँ चाहिए छोटी छोटी, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ।
यार ये वाले जो साइज के ना इनको हम रख देते हैं। और ट्रक वाले नहीं है तो लकड़ियां मिल रही हैं। हां लकड़ियां मिल रही हैं से के पता नहीं कहां से पता करके आया। अच्छा पहले मुझे ना ये चंक्स निकालने दे। पता नहीं 1400 में रखा ठीक है। क्या ये देखे मैंने वो चंक निकाले। अब हम इसकी ना क्रमलिंग कर लेते हैं। डैम क्रमलिंग का तड़का ज्यादा शोक कलर देखने मुझे चक्कर आते हैं। अभी रेड रेड को देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या बदतमीजी है इन लोगों की। इसको मैंने एक जगह मिक्स करके रख दूँ फिर इसकी शेप में बना लूँगी बाद में। फिलहाल तो चलो हम इसको ना एक वीडियो बना लेते हैं। फिर जब तक ये वाइट ग्रीन इस टेक्सचर पूरी तरह से क्रश नहीं ना हो जाता इसकी टेक्सचर की ना वीडियो क्रमी जाएगी हर व्लॉग में। Smashing. यार हमारी कब की लाइट गई है। अगर आज ये व्लॉग ना ना बना तो कल नहीं आएगा ये, क्योंकि फिर ज्यादा काम नहीं शो कर सकूं ना। कहीं कहीं से हार्ड है कहीं कहीं से सॉफ्ट है। ये बिल्कुल जब हो जाएगा ना क्रश होके एकदम इवनली सही फिर इसका साउंड क्रमलिंग देखना बड़ा मज़े का टेक्सचर है ये मेरा। सही है अब ना किसी और टेक्सचर की वजह से इसको छोड़ते हैं। ब्लैक सैंड उस दिन की ऐसी पड़ी है मैंने ना इसको ड्राई करना था
ओके, मैं ना इसको ड्राई करके फिर मिक्स करूँगी इवनली, फिर ना शिट मैंने तो अजाने शुरू हो गई। इतना अच्छा टेक्सचर है ये, जब इसमें जाएगा ना वो चारकोल और मजीद सैंड, फिर आप देखना इसके लश्कारे। ये लगा जाने शुरू हो गई तो कोई बच्चा बोल रहा है। इसको मैं शिफ्ट भी करूँगी एक बार, इतना क्यों, ताकि इसके अंदर जो डस्ट चले गई ना वो निकले, और डस्ट कह रही हूँ गंद चले गया हुआ है, चौंकी के बगैर में आ गई है, एक चौंकी लिख रही। यार कुछ सब्सक्राइबर डर्ट से इतना बाजार हो गए ना कि मैं डर्ट के पास ही जाने से डरने लग गई हूँ। ये ना मैंने ब्लैक चंक्स जो ना इनको मैंने निकाला है, अब ये होगा कि इनको मैं निकाल के रख देती हूँ अभी, और जो ये ज़मीन वाला टेक्सचर है ना इसको उठा लेती हूँ टब में, ताकि इसमें कोई मज़ीद गंद शंद ना टूट जाए। ये देखिए कितनी काली है, हुई हुई ब्लैक ब्यूटी। रेड रेड की भी मैं शेप्स बनाऊंगी ना फिर आपको दिखा दूंगी, अदरवाइज ना मैं ये चंक जाना है इनको रख दूं उधर, मैं आपको दिखाती हूँ। यार पहले मेरी यकीन करे, जब क्रमलिन चैनल स्टार्ट क्रमलिन कह रही हूँ, ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं नहीं क्रमलिन करती थी इतनी, मैं डैम टेक्सचर की कभी कभी कर देती थी, मुझे था कि कुछ डैम क्रमलिन लवर्स भी हैं उनके लिए हो जाए। उसके बाद मैंने ना, मुझे अपना काफ़ी सब्सक्राइबर्स आके रिक्वेस्ट करने लगे हैं ब्लॉग में भी क्रमलिन क्या करें, तो मैं ना फिर नहीं प्रेफर करती थी कि मैं ब्लॉग में सिर्फ क्रमलिन करूं, मैं ओवरऑल हर रूटीन को अपने लेके चलना चाहती थी, लेकिन सब्सक्राइबर्स की ना बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ की तरफ थी कि वो क्रमलिन ज़रूर हो, ज़्यादा सी क्रमलिन हो, इतना और कोई चीज़ में ना इंटरेस्ट नहीं लेते थे वो क्रमलिंग क्रमलिंग। तो मैं फिर जब क्रमलिंग की तरफ आई, आई शिट मैन क्रमलिंग की तरफ आई हूँ, तो उनकी तो बंदा कहना चाहे तो पीछे जन लगती चले। मैं इसको ना अब टब में उठा के रख दूँगी, यह सोच इसकी शेप्स बना दूँ, इतना अच्छा टेक्सचर है डैम्प, शेप्स बना दूँ फिर क्रम्बल करके हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ऐसे पड़ा रहेगा टेक्सचर तो गंदा हो जाएगा, क्योंकि बाल कचरा उड़ उड़ के जा सकता है इसके अंदर। चलो मैं इसकी शेप्स बना दूँगी, फ़िलहाल तो नहीं दिखाऊँ, मेरे डर्ट के लिए टेक्सचर नहीं, क्रमलिन के लिए टेक्सचर नहीं निकाला मैंने, यही दो पीस नज़र आ रहे हैं मुझे,
ठीक है, फटाफट से करते हैं। और ये भी डाल, बाकी मैं कल बना लूँगी क्योंकि लिख नहीं क्या जानी चाहिए। अच्छा ये देखे, मैं ये वाली शेप लेकर आई हूँ, इसमें से देखते हुए शेप निकला थी क्योंकि टेक्सचर बहुत टेस्ट हो गया। ठीक है, हम इसको इस तरह से निकालने की ट्राई करते हैं। तो वेल एंड गुड, तो नाले गुड दे, नाले गुड। यार मैंने ना वो जो छोटे चंक निकाले थे ना, मैं वापस ले आई हूँ, नॉर्मल थर्मल कर देते हैं क्योंकि टेक्सचर नहीं बाइंड हो रहा। उसी टाइम ही कर देती हूँ मैं ऐसे। अच्छा चलो इसकी मिक्सिंग। यार रेड टर्ट तो लग ही नहीं रहा इस टाइम, रेड टर्ट लगे कोई और मेरे काफ़ी हद तक शेप ना आती है क्योंकि मुझे ब्लैक सैंड की भी शेप बन जानती है, तो मैं मैं इसको निपटा लूँ पहले। ठीक है, मामा मोटर बंद करवा दो, मैं मोटर बंद करवा के सब बासी रिजल्ट है। यार मैंने ब्लैक सैंड की शेप्स बना ली हैं। ठीक है, पता नहीं नजर आ रहा है, काली रात में काले टेक्सचर नजर आ रहा है, लाइक चिड़ियों के पर कौओं के पर जो है परिंदे से उड़ के आते हैं ना, तो उनकी है आ जाते हैं उनकी। मैं फिर शिफ्ट करूँगी जब ड्राई करने के बाद इसके, इंशाल्लाह क्रमलिंग करके फिर ना मैं बाबा रे बाबा इसको क्लीन कर लूँगी इंशाल्लाह। ऑल राइट, इसलिए मैंने इसको बना के रख दिया कि ये गंदा हो भी जाए तो मैं इसको क्लीन कर लूँ, नॉट अ बिग डील। चंक्स भी क्रम्बल करेंगे, इनको भी करेंगे ड्राई, करेंगे क्रम्बलिंग इसकी टोटल ड्राई, फिर हम इसके अंदर अपनी बाकी टेक्सचर को मिक्स करेंगे जो हमने इसका टेक्सचर एक्सटेंड करना है, फिर जाएगा बाकी की डस्ट और चारकोल टेक्सचर इज रेडी। Charcoal sand. Oh, Allah, blah, 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 blah. Mr. यार मेरे हाथ मैंने स्टम थक गए और मुझे चक्कर आ रहे, मैंने सुबह का चाय के साथ गाला बिस्किट खाया है, वो भी हाफ चार तीन चार बिस्किट खाए होंगे, वही बस खाए और पढ़ाई हुई में, और मेरे होने मैंने गाला पहनिया ने थे थले नहीं नहीं मुझे कोई गालियाँ नहीं देता भाई, हमारे घर में कोई गालियाँ वालियाँ नहीं निकालता। एनीवेज ये देखिए मैंने शेप्स बना ली हैं,
और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मैंने अभी थोड़े बर्तन समेटने हैं जो ज़मीन में देखिए बिखरे हुए हैं, और टब वगैरह वॉश करके रखने हैं, बस यही काम करना है। फिर नीचे जाना है, रोटी पानी करना है कुछ, तो दिल चकरा रहा है मेरा। और मैं चाह रही हूँ कि मैं नीचे चली जाऊँ फ़ौरन से, बिकॉज अगर मैंने अपने आप को माफ़ ना किया तो फिर मैं यू नो इधर लेट जाऊँगी। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश की कि ब्लॉग में डर्ट से दूर रहूँ, और कुछ भी नहीं मैंने किया आज खास, जस्ट लिटिल बिट क्रमलिंग एंड शेप्स मेकिंग लिटिल बिट एंड यू नो जस्ट रूटीन वर्क। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता जुबीन। अल्लाह पाक आपका नसीब बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी शादी हो चुकी है तो आपके बच्चों को और आपका फरमा बरदार बनाए, और आपकी शादी की जो लाइफ है हमेशा हैप्पी रहे। आमीन सुम आमीन। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मेरे कितनी बार कहना ख्याल रखिएगा, आप भी ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरा भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। तो ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। ये ले हार्ट आपके लिए, सबके लिए।